बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की क्लास जो 20-25 मिनट के अंदर रखी है, उस क्लास के रखने का मकसद क्या था? क्लास को रखने का मकसद क्या था तो चाहूंगी याद रहेगा। क्यों रखी हमने क्लास? क्यों गाँव में भी हम सब लोग तो मकासद नहीं है हमारे भाई के सवाल जो मैंने आपको बताए थे, नहीं बताया अगर बताए थे तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है? और फिर इंशाल्लाह आप मुझे सवाल अपने घर पर बैठ के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। पहला सवाल मुझे लिखे लीजिए, शाबाश। आवाज़ अगर सही आ रही है मेरी तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो बता दीजिएगा ताकि मैं उसको यहाँ से माइक वगैरह दुरुस्त कर लूँ। मुझे शाबाश अगर आप जल्दी से बता सकें। 2010 रेगुलर, 2010 रेगुलर में जिन बच्चों ने एंट्रीज बनाई है, क्वेश्चन नंबर 4। पहले 2010 ना ही मुजाफा, पहले 2010 को बात कर लेते हैं। पहला सवाल जो था वो 2010 था, अगर तो पहले 2010, फिर 2013, पहला 2010 था 13 10। ओके, 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है? आप सब लोग इस क्वेश्चन पर मौजूद हैं और अगर आप कहते हैं तो मैं इस अच्छा, आवाज ठीक नहीं आ रही आपको? बाकी सबको आवाज ठीक आ रही है? बाकी बच्चों को आवाज नहीं ठीक आ रही है या नहीं आ रही बता दीजिए। नहीं सर, कट रही है आपकी आवाज। दोबारा? अच्छा आवाज ठीक नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट, अभी सही कर देते हैं। ओ हो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे, मैंने वो केबल नेट पे शुरू कर दिया क्लास। एक मिनट रुकिएगा। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आवाज इसलिए कट रही होगी। अगर मैं मीटिंग से चला जाऊं तो परेशान नहीं होगा, मैं कनेक्शन अपना चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? अब बताओ आवाज को बेहतर हुई या नहीं हुई? जो आप लोग तो बोलेंगे आपने से कोई कनेक्शन चेंज कर लिया अपना, आवाज बेहतर हुई या नहीं? वैसे ही आ रही है। ओके अभी और सही कर दो। इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। जी नाइश, नाइश अब बताइए आवाज सही आ रही, बेहतर हुई? बेहतर ही, लेकिन थोड़ी ना टकटक के आ रही है। फट कर सही हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। 10-15 मिनट का सेशन है, 20 मिनट का। मेरे बच्चों आप सबको मैंने जो काम असाइन किया था, कहीं मैं मीटिंग में तो हूँ से, तो जनाब अली एक प्रेजेंटेशन है आपको। मैं जनरल जनरल जो है
जी प्यारे बच्चों, 2010 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6A आप लोगों ने पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम के तहत एंट्रीज बनाई है। मैं ट्रांजेक्शन पढ़ूंगा और साथ साथ एंट्री कॉल करता जाऊंगा आपने जो बनाई होगी, ठीक है। जहां पर जो भी कंफ्यूजन हो आप अभी तक मुझे बताना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, तो मैं उसको वहां मजीद इंशाल्लाह जो है बता दूंगा। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ रहा हूँ। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 27,000 रुपीज। आपने पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों सिस्टम बनाए हैं। पीरियोडिक सिस्टम में आपने एंट्री बनाई है परचेजेस डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट 27,000 रुपीज, और परपेचुअल सिस्टम में आपने एंट्री बनाई है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट 27,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहा हूं प्यारे बच्चों। अब रिसीव्ड अलाउंस ऑन सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, रिसीव्ड अलाउंस ऑन सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। अब मुझे जो बच्चा बताना चाहता है वो बताए कि इसमें ये कैसे पता चल रहा है, ये कैसे पता चल रहा है कि माल हम वापस कर रहे हैं या कस्टमर वापस कर रहा है। पहले तो इसका जवाब दीजिए, अगर कोई जवाब देना चाहता है तो बच्चा बताना चाहता है अगर तो बताए। सर हम वापस कर रहे हैं क्योंकि उधर जो ना सप्लाई का नाम है तो इस वजह से। अच्छा ओके, महाजेब ने बोला सप्लाई लिखा है इसमें इसलिए। अच्छा तो क्या आप दोनों से ही, मेरा सवाल है महाजेब से और मुजफ्फा, आपका कनेक्शन शायद अब डिस्टर्ब होगा, बाकी लोगों को तो आवाज़ आ रही है बेटा और मेरे पास से भी आवाज़ जा ही रही है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, शायद आपकी बात से मैं इंकार नहीं कर रहा। चलो ये 10-15 मिनट की मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ मुजफ्फा, ठीक है बेटा, कर वो भी देख रहे हैं। माजर चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम हो रही। अच्छा जी, अनुषा और महाजेब ने जवाब दिया, इन दोनों को मैं जवाब देता हूँ कि भाई सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, तो सप्लाई ज़रूरी है कि जो है जनाब सप्लायर वाला सप्लाई नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। यहाँ सप्लाई से मुराद मुहैया करना है, देना है, प्रोवाइड करना है। तो सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स तो दोनों साइडों से हो सकता है, हम भी किसी को सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स कर सकते हैं, कोई हमें भी सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स कर सकता है। जी महाजेब आपका दूसरा जवाब मुनासिब है, ये मुनासिब जवाब है। और कोई जवाब देना चाहेगा, बाकी लोग हैं क्लास में जिंदा है? आप ये पहले जवाब पूछ देना है पहले एंट्री का। पॉइंट नंबर 2 रिसीव अलाउंस ऑन सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स की एंट्री, तो इसमें ये कैसे पता चलेगा कि हम सामान वापस कर रहे हैं या कोई हमें सामान वापस कर रहा है। डिफेक्टिव गुड्स हमने दी थी ना, तो अब दी थी या हमने खरीदी थी, क्या हुआ था, ये कैसे पता चलेगा, ये सवाल है मेरा। इकरा, लाइबा, मुजैफा, मुजैफा से बात हो रही है, अनुषा ने जवाब दे दिया, अलीहा और रिजा कल की मीटिंग में भी नहीं थी, आज रिजा और अलीहा हैं, नाइस जवाब दें। अच्छा इसलिए तुक्का लगा दिया तुमने ये, तो इसलिए हमने परचेज किया था इसलिए अभी हम यही वापस कर रहे होंगे। नहीं जी, इसका करेक्ट आंसर है महाजेब ने दिया रिसीव्ड अलाउंस। रिसीव्ड अलाउंस इसका मतलब है हमने अलाउंस, हमें अलाउंस मिला है, हमें छूट मिली है, हमें अलाउंस मिला है तो इसका मतलब है हमने खराब माल वापस किया होगा तो उस पर हमें छूट मिली, ठीक है। डिफेक्टिव गुड्स हमने सप्लायर में दी होंगी और हमने उसको वापस की होंगी तो उसमें उसने हमें पैसे छोड़ दिए, माफ कर दिए, बोला ठीक है इतना अलाउंस ले लो। तो रिसीव्ड अलाउंस ऑन सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स 2000 की एंट्री आप सबने पीरियोडिक सिस्टम में क्या बनाई ये बताएंगे हमारे नाइश भाई। जल्दी बताएं नाइश, टाइम नहीं है। नाइश कितनी देर लगेगी भाई एंट्री बताने में, काम किया है नाइश? सर करा है लेकिन कुछ से नहीं करा, थोड़ा बहुत करा है। तो ये वाले पॉइंट की एंट्री बनाई है आपने रिसीव अलाउंस ऑन जी सर, अकाउंट पेबल टू अकाउंट पेबल डेबिट में आएगा 2000 और परचेस एंड अलाउंस में क्रेडिट होगा 2000, परचेस रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा, सही है। थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत-बहुत। मुजफ्फर परपेचुअल सिस्टम की एंट्री बताओ जल्दी से, ये वाली जल्दी बताओ सर, अकाउंट पेबल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट। बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं, सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 16000 ऑन अकाउंट फॉर 20000 मर्चेंडाइज बेची है। रिजा अनम्यूट करो फटाफट। सोल्ड मर्चेंडाइज कॉस्टिंग 16000 ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000 मर्चेंडाइज बेची, जिनकी मालियत थी 16,000 रुपए, उन्हें बेचा हमने कितने रुपए में, 20,000 रुपए में। रिजा इस जुमले में पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से क्या काम की बात है और क्या काम की बात नहीं? सवाल दोबारा करता हूँ रिजा, इस जुमले में पीरियोडिक सिस्टम के हवाले से क्या काम की बात है और क्या काम की बात नहीं? सर हम लोगों ने मर्चेंडाइज सोल्ड किए 16,000 की, पता नहीं मैंने कल की क्लास में दी थी सर। वो वीडियो कौन देखेगा, मैं देखूंगा सर, आपने वीडियो दे दी जी, मैंने पब्लिक पे शेयर करवाई है कल की वीडियो भी।
और उससे पिछले सैटरडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में जो भी लेक्चर हुए थे लास्ट वीक वो भी पब्लिक किए थे, कल की वीडियो भी पब्लिक कर दी थी मैंने क्योंकि वो ईमेल का अच्छा सॉरी नहीं देखी अभी तक। अच्छा जी चलें, इकरा आप बताएं, इकरा जल्दी करें, टाइम नहीं है यार, आप लोग इतनी देर लगा रहे हैं। सर मैंने भी कल की क्लास नहीं ली थी। वेरी गुड, जबरदस्त। लायबा बोलेगी मैंने भी क्लास नहीं ली थी तो फिर मैंने क्यों ली थी, ये अजीब सवाल है। ठीक है भाई, फातिमा साहब छुट्टी पे आज, अनुषा बता बता के थक चुकी है। सही है भाई, सही है, शुक्रिया सर। मैं बता, अनुषा ने जवाब दे दिया, चलो सेलिंग प्राइस काम की है और कॉस्ट प्राइस काम की नहीं है। ठीक है तो चलो अनुषा फिर बताओ उल्टी क्या बनेगी, पीरियोडिक सिस्टम है, तुम लोग क्लास भी नहीं लेते और तुम लोगों को टॉपिक भी नहीं होता। सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट अमाउंट। अनुषा अमाउंट भी तो बताओ बेटा। सर 20,000। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी अब और कोई एंट्री बनेगी अनुषा, एक तो फॉरन म्यूट कर लेते हो, बात तो कंप्लीट नहीं सर। ठीक है चलो अब म्यूट कर लो बेशक जी, वहां से जल्दी से अनम्यूट करें जी सर, बोले परपेचुअल सिस्टम में एंट्री बताएं कितनी बनेगी, पहली आराम से सुनाइएगा ताकि ये रिजा को इकरा को लाइव का आवाज आ जाए इनके कानों में जाके रुक जाए आवाजें, बहुत देर तक घूमती रहे जी। पॉइंट नंबर 3 की सबसे पहली एंट्री बनेगी ए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 20,000 पे। तो क्या ये एंट्री मैं किस तरह कह दूं कि ये एंट्री सेम है जो पीरियोडिक में बनी है वही परपेचुअल में है? जी सर ये वाली सेम है, ये यानी जो पीरियोडिक में बनती है एक परपेचुअल में भी वही बनती है, लेकिन परपेचुअल में फिर और भी कुछ बनती है? जी सर कॉस्ट प्राइस की बनती है। और वो एंट्री सुनाओ। तो इसी एंट्री नंबर 3 का बी बनेगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंटरी के क्रेडिट 16,000। ठीक है बेटा जिदा कर ला मेरा बच्चा। पॉइंट नंबर 4 की एंट्री मैं बताता हूं आप लोगों को, खुश रहिए। एक्सेप्टेड द रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मर्चेंडाइज, अब हम कबूल कर रहे हैं वो जो डिफेक्टिव मर्चेंडाइज थी उसकी वापसी कस्टमर से, और दोनों दो प्राइस बताई हुई है, कॉस्ट 4,000 रुपए है और बेचा था 5,000 रुपए में। याद करो कल का लेक्चर जब आप लोग देखोगे ना, जो लोग कल एब्सेंट थे तो मैंने कल के लेक्चर को मुश्किल बना के दिया था, लेकिन अल्लाह ना करे वो मुश्किल का मकसद यह नहीं था कि मैं आपको परेशान करना चाह रहा था। आगे आपको फाइबर में एक दो सवाल ऐसे नजर आएंगे जहां पे वो आपको सेल प्राइस बताएगा, कॉस्ट प्राइस नहीं बताएगा और परसेंटेज बताएगा, तो फिर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। ये सवाल पहला देने का मकसद यही था। जिन लोगों ने कल का लेक्चर दिया वो गौर से सुन लें, जो लोग कल की वीडियो देखेंगे वो भी गौर से सुन लें कि भाई इस सवाल को सबसे पहले अटेम्प्ट कराने की वजह यही है कि जब सेल किया तो कितने में बेचा ये भी बताया और कितने रुपए की चीज थी ये भी बताया। इसी तरह जब कस्टमर ने वापस किया तो भाई कस्टमर जब वापस लाके करेगा तो जरा रिजा मुझे बताना, तुम अगर तुम बता सको या इतना बता सके या लाइबा, तुम तीनों में से कोई भी बता सके अगर बताएं अनम्यूट करके, जब कस्टमर हमें सामान वापस करता होगा तो कस्टमर आके हमें बोलता होगा ये लो अपना सामान, तो वो कौन सी प्राइस बताता होगा हमें? कस्टमर, आप तीनों में से कोई जवाब दे सकता है अगर बाकी कोई ना दे, कस्टमर आके हमें सामान वापस करता होगा और बोलता होगा ये लो सामान, और कौन सी प्राइस बताता होगा वो हमें ये आपका सामान हम वापस कर रहे हैं, कस्टमर हमें आके कौन सी प्राइस बताता होगा? अभी तक जवाब नहीं आया, किसी ने अनम्यूट नहीं किया तो मैं ही बता दूं इसका मतलब, बाकी लोग बता रहे हैं जवाब। कस्टमर को मैं बताऊं सर? नहीं, कस्टमर को कौन सी प्राइस पता होती है? आप तीनों से मैंने पूछा है जी, सेलिंग प्राइस। तो कस्टमर को अगर हमने कोई चीज 50,000 की बेची थी उसमें से वो आके एक वापस करता है, वो कहता है 5,000 का माल वापस ले लो, तो कस्टमर को वो 5,000 का ही बताया होगा ना, तो कस्टमर को पता होती है कौन सी प्राइस, सेलिंग प्राइस। तुम लोग बहुत छुट्टियां कर रही हो, इकरा लायबा बहुत छुट्टियां कर रही है, रिजा बढ़िया कम करती है लेकिन इन्होंने भी करनी शुरू कर दिया, तो बहरहाल तो ये काम की बात यह है। और फिर ऊपर से वीडियो भी नहीं देखते आप लोग, लेक्चर भी नहीं देखते आप लोग, कितने अफसोस की बात है। तो और ये मैं बता बार बार, सॉरी सर मैंने आपकी कल की वीडियो नहीं देखी, वरना मैं देख लेती हूँ, और कल ही सिर्फ छुट्टी हो गई थी एक, सॉरी सर मेरी भी कल की छुट्टी हुई है, वरना मैं भी क्लास लेती हूँ। सही बात है, सही बात है, आप सब लोग की पहली छुट्टी हुई है, सही बात है, मैं गलती हो गई मुझसे, माफ़ चाहता हूँ मैं आप लोगों से, है ना। सब अपनी अपनी कहानियां लेके आते हैं, लाइबा जावेद लिख लिख के बतानी है, नेट नहीं चल रहा था सर पहली ही की थी, सबने पहली बार छुट्टी की थी, अब मैं अगली सेकंड गिनवा दूंगा, जब अगली बार दूसरी होगी ना तो उस वक्त जब पहली कहेंगे तो मैं गिनवा दूंगा। चले बहरहाल ये तो एक मजाक था, काम की बात है, आप तीनों से ही बात कर रहा था मैं कि भाई कस्टमर जब हमें सामान लाके वापस करेगा तो यार कस्टमर तो कहेगा ना ये लो अपना 5,000 रुपए का सामान वापस रख लो, खराब है कम बस, तो हम बोलेंगे अच्छा भाई ला भाई 5,000 का सामान वापस देते। अब उस बेचारे को तो पता है वो 5,000 का है, लेकिन हमें पता होगा कि ये 5,000 रुपए का नहीं है, इसकी एक कॉस्ट प्राइस भी होगी। तो भाई पीरियोडिक सिस्टम में तो सेल रिटर्न की एक ही एंट्री बनती है, क्या एंट्री बनती है ये हमें अपना सुनाएंगे, अपना मैं ही सुनाऊंगा, कोई ना सुनाए, एंट्री बनेगी अपना जनाब सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000 रुपए से, ये पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री बनी है और यही सेम एंट्री बनेगी परपेचुअल में। दोबारा कह रहा हूँ, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट 5,000, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5,000, ये सेम एंट्री बनेगी पीरियोडिक में भी परपेचुअल में भी।
तो सर फिर क्या मुश्किल क्या है, नया क्या है भाई? प्रियोरिटी में तो हमेशा यही बनती थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तुम रिटर्न की यही एंट्री बनाते आए, तो ठीक है जनाब, क्या नया है आज? प्रियोरिटी सिस्टम तुम्हारे लिए पुराना है, परपीचुअल नया है। परपीचुअल सिस्टम के तहत तुमने आज एक और एंट्री बनानी है। वो जो कस्टमर तुम्हें कह रहा है कि 5000 का माल वापस ले लो, उसमें से 4000 रुपए का माल, उस सामान 5000 के सामान की कीमत है 4000, तो तुम्हें एक और एंट्री बनानी है। और वो क्या बनाई तुमने? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट। आवाज आ रही है ना मेरी? मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, ये एंट्री नंबर 2 है पॉइंट नंबर 4 की। कल छुट्टी वाले लोगों को अगर मेरी आवाज आ रही है, और आप लोग लेक्चर कल वाला देखेगा, फिर ये वाली वीडियो दोबारा देख लेगा जो आज की है। सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 5000 से, परपिचुअल की पहली एंट्री और पीरियोडिक वाला से एक एंट्री, पीरियोडिक परपिचुअल दोनों में ये एंट्री सेम है। परपिचुअल में एक और एंट्री बनी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट अमाउंट 4000। ओके जी, तो ये सवाल कंप्लीट हुआ। अगला सवाल बताएं 2013, क्या था अगला 2013? रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4B। देखिए भाई 2013 प्राइवेट, अगर आवाज आ रही तो जल्दी बता दो, 2013 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4B। कोई भी बता रहा मुझे? अच्छा हाँ, एक मिनट, आप लोग बोल रहे हो, बोले ये 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 4B कहता है, जनरल जनरल में रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शन को पीरियोडिक और परपेचुअल के तहत, और इन्वेंटरी का टी अकाउंट बना के दिखाओ स्केलेटन टी फॉर्म में परपेचुअल सिस्टम के तहत। जो बच्चे कल नहीं थे, प्लीज बार बार कह रहा हूँ यार, आप लेक्चर देख लीजिएगा वीडियो का, तो टी अकाउंट कोई मुश्किल चीज नहीं होता। मैंने कल के लेक्चर में टी अकाउंट बना हुआ दिखाया था, आप इस सवाल को प्लीज लिख के अटेम्प्ट कर लें, ताकि जब हम कल क्लास में, तो फिर हम इन चीजों को डिस्कस कर सकें। मेरे बच्चों, आपने पहली एंट्री बनाई परचेज मर्चेंडाइज अकाउंट की पीरियोडिक सिस्टम में, परचेजेस डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 30000, परपेचुअल सिस्टम में एंट्री बनाई मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 30000। कोई एतराज हो तो एतराज कर दीजिएगा फौरन। हां सर, आपने स्क्रीन खोली है पावर पॉइंट या एक्सेल की? मैंने नहीं, स्क्रीन माय स्क्रीन से भी ऐसे खुला, सिंपल ये पर्सनल लगा रहे हैं, विंडो खुली है सिंपल, बस कुछ भी नहीं है, सही है। ओके अच्छा, आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 2, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर कॉस्टिंग 2000, ये जुमला पिछले सवाल के जुमले के मुकाबले में ज्यादा वाज़े है। क्या कह रहा है? मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को जिससे हमने खरीदी थी हमने उसे वापस कर दी, क्योंकि उधार पर खरीदी थी तो वापस की होंगी, तो उधार भी की होंगी, तो एंट्री बनी पीरियोडिक में अकाउंट पेबल डेबिट परचेज रिटर्न एंड अलाउंस क्रेडिट 2000, और परपेचुअल में एंट्री बनी अकाउंट पेबल डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट 2000। पॉइंट नंबर 3 पर आ गया, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फॉर रुपीज 30000। पॉइंट नंबर 3 में कह रहे हैं मर्चेंडाइज बेची उधार पर 30000 रुपए की, और कॉस्ट है मर्चेंडाइज की 24000 रुपए, ये कॉस्ट पीरियोडिक सिस्टम में हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमने कहा ओके, पीरियोडिक में क्या एंट्री बनाए? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 30000 रुपए। यही सेम एंट्री छप गई, कहां छप गई? परपीचुअल में, और परपीचुअल में एक और एंट्री बनी एक्स्ट्रा, वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट 24000 रुपए। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 4, मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 2000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ विच वॉज 1600, 1600 रुपए पीरियोडिक में हमारे किसी काम का नहीं है। आप बच्चों ने एंट्री बनाई पीरियोडिक सिस्टम में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 2000 रुपए से, यही सेम एंट्री परपीचुअल में भी छाप दी, इसका नंबर है 4A परपीचुअल में। और अब 4B एंट्री बनाई मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट 1600 रुपए से। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। अब आप क्या करेंगे घर पर आप 2019 से रिवर्स ऑर्डर में चले, सब लोग होमवर्क सुन लें, जो लोग अभी क्लास में नहीं है उन्हें ये वीडियो मिल जाएगी, आप अपने दोस्तों को पैगाम पहुंचा दीजिए। और एक छोटा सा पैगाम और तो एक्स्ट्रा बात है, लेकिन आपको देता हूं, अगर आपके कोई छोटे बहन भाई या कजन वगैरह हैं जिन्होंने 9, 10 या मैट्रिक के इंटर के एग्जाम देने थे, तो उनको आज मैंने वीडियो आपके ग्रुप पे लिंक शेयर किया 11:30 बजे, आज मैं लाइव आके उनके क्वेश्चन के जवाब दूंगा, कुछ बातें बताऊंगा इंटर के एग्जाम और 9, 10 के एग्जाम से मुताबिक जरूरी बातें हैं, ठीक है। मैं समझता हूं पर्सनली, मैंने कहा अपने बच्चों को बता दूं कि अब हमारे पास आपसे कनेक्ट होने का एक यही जरिया बचा है और कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ये वाला सिलसिला जो ऑनलाइन का है ये जून में भी रहेगा, आपको पता है जुलाई में भी रहेगा, पता नहीं कब तक रहेगा, जोड़ा पड़ेगा हमें बाबा के मालिक में, तो दिसंबर तक स्कूल बंद है हमारे यहाँ, पक्का कहते हैं अल्लाह ताला सामने फरमाए। तो बस ये है कि अभी ऑनलाइन पढ़ने का सिलसिला अच्छे से रखें, बात यह है कि आपका पेपर जिस तरह भी हो, जैसे भी हो, एमसीक्यू बेस हो, जैसा भी हो, बीकॉम के पेपर की बात भी कर रहा हूं, तो कम से कम पढ़ा होगा तो आप पेपर तो सही से कर सकेंगे, आप उसमें जवाब को लिख सकेंगे, आप जिस एमसीक्यू बेस होगा तो आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकेंगे, तो अपनी प्रिपरेशन रखें, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला हम सबके बेहतर फरमाए, और इंटर और मैट्रिक के अगर आपके खानदान के बच्चे तो उन्हें वो लिंक प्रोवाइड कर दें, ताकि वो आज मुझसे अगर सवाल करना चाहें तो सवाल कर लें, वरना वो लाइव मीटिंग में आके देख लें, यूट्यूब पे होगी, लाइव होगी, तो उसमें एक अपना कोई सवाल होगा आप यहाँ जैसे जूम पे होती है तो जूम पे आप आके बोल सकते हैं, वहां पे आप अपना मैसेज वगैरह करके चैट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको सवाल बता देता हूँ। 2019 से आप रिवर्स ऑर्डर में चलिएगा सब लोग, और ऐसे सवाल जिनमें एंट्रीज बनाने को कहा है उनके एंट्रीज बनाइएगा, ठीक है। बस मैं एक सवाल आप लोगों को अभी बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्लास जैसे 1 से 2 बता देता हूँ, चले क्या याद करेंगे आप। 2012 प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ सकते हैं आप, 2000
12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ सकते हैं आप। 12 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 पर अगर आ जाएं आ गए। अच्छा अगर आ गए तो देखें सबसे पहले तो इसमें ये एक चीज ना आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास इस तरह की फाइल है ये वाली कौन सी फिरोज नासर वाली अगर नजर आ गई फिरोज नासर यही है तो भाई इसमें ये सवाल कैमरे पे अगर आप नजर आ रहा हो प्रॉपर तो आप देखिएगा कि ये रिक्वायर्ड लिखा है रिक्वायर्ड है बॉटम पर। इसके बाद दोबारा अगले पेज पर दोबारा ट्रांजेक्शन कॉपी हुई है ये सारी दोबारा ट्रांजेक्शन कॉपी हुई है आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो आपकी फाइवर में जरूर होगा। तो भाई ये डबल कॉपी हुई है 25 तारीख को आखिरी ट्रांजेक्शन है मेरे मुताबिक 25 तारीख आखिरी ट्रांजेक्शन है। एंट्रीज बनाने को रिक्वायर्ड वन में कहा है प्रीपेयर डेटेड जर्नल एंट्रीज कंपनी इस्तेमाल करती है लिफो मेथड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के तहत। आप सबने इसका टेबल बनाया हुआ है रिमेंबर आपने इसका टेबल बनाया हुआ है इन्वेंटरी का जिसमें आपने एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब निकाली है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब चाहिए होती है परपेचुअल सिस्टम में जब सामान को बेचते हैं सेल के बाद कितनी एंट्री बनती है परपेचुअल सिस्टम में जल्दी बताओ दो मल्टीप्लाई करो ये सेलिंग प्राइस आ गई। अब इन यूनिट्स की कॉस्ट क्या थी वो कॉस्ट तो यहाँ लिखी भी नहीं है उसके लिए तुमने बनाया होगा एक टेबल एक कंप्यूटेशन एंडिंग इन्वेंटरी निकाली होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाली होगी तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ना लेना बल्कि जो तुमने 7 तारीख को 8200 यूनिट बेचे उनकी कॉस्ट उठाना टेबल से सही है और उस कॉस्ट से एंट्री बनाना। अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे अभी पूछ लो मैं तुम्हें टेबल खोलकर बता देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं इन्वेंटरी जैसे मैं आपको अगर आप चाहते हैं एक मिनट भी लगेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसमें कोशिश होती है किसी तरह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका परेशान ना हो अंदाजा आपका टाइम बहुत कीमती है बस 2 मिनट के लिए ये सवाल खुले सर सर आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आ रही है सर थोड़ी कटक कटक आ रही है बोले हेलो अच्छा देखो आवाज आई मेरी जी जी आ रही है ये सवाल दिखा रहे हैं आपको देखना ही परपेचुअल सिस्टम है ठीक है। सेल आई थी 18 तारीख को 4000 यूनिट बेचे थे ठीक है ये 4000 यूनिट देखो फीफो के टेबल में ये 4000 बेचे थे 1000 और 3000 इनकी कॉस्ट क्या थी 10000 और 36 दोनों को प्लस करोगे क्या बना 46। अच्छा अब जरा और से देखना दोबारा 18 तारीख को जो सेल आई 4000 यूनिट बेचे ₹20 के हिसाब से 4000 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया 80000 जी परपेचुअल में दो एंट्री बनती है। आप डेमोस्ट्रेशन भी देखना ना कल की वीडियो भी देखना तो आपको और अच्छा समझ आएगा सही है। लास्ट वीक की क्लास में थी लास्ट वीक की आखिरी क्लास की वीडियो भी देख लेना वो भी पब्लिक की भी है मैंने लास्ट वीक की आखिरी क्लास भी पब्लिक है कल की भी पब्लिक है और आज की भी शायद पब्लिक ही करूंगा शायद। तो आप लोग देखें कि भाई आप 4000 यूनिट बेचे ₹20 का 18 तारीख को 80000 के बने और इनकी कीमत बनती है 46000 ये परपेचुअल सिस्टम है। देखें स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसकी एंट्री जाके चेक कर लीजिए देखिए ये एंट्री बनाई हुई है हमने नीचे 18 तारीख एक एंट्री अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 80000 से ये हो गई सेलिंग प्राइस और एक एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट 46000। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात समझ आ गई तो आप इस सवाल की एंट्री सारी सही है इस सवाल क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने 2012 क्वेश्चन नंबर 7 एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल एक और नोट करना है परसेंटेज वाला है अल्लाह करे आप इसको सही कर सके नहीं किया तो मैं करवाऊंगा कल 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 5A दोबारा कह रहा हूँ 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 5A सही है। इसमें भी आपने इसमें सिर्फ परपेचुअल से एंट्री बनानी है मजे की बात है पर पीरियोडिक से बनानी नहीं है तो आप परपेचुअल से एंट्री बना लीजिएगा 5A 2018 प्राइवेट क्वेश्चन 5A। दो सवाल हो गए आज क्योंकि ताक रात नहीं है तो आज आपको एक सवाल और दे देता हूँ तीन सवाल हो जाएंगे टोटल दो हो गए अभी तक एक और दे देता हूँ ये है जनाबे अली 2016 रेगुलर क्वेश्चन 4B 2016 रेगुलर क्वेश्चन 4B 2016 रेगुलर क्वेश्चन 4B बस टोटल तीन सवाल हो गए प्यारे बच्चों गलत सही से आपने डरना ही नहीं है आप तो वैसे भी नहीं डरते आपको खुद डरा देते हैं लोगों को तो आप बस काम कीजिए अल्लाह का नाम लेकर बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से कल अल्लाह के हुक्म से मुलाकात हो रही है तो उसमें हम मजीद डिस्कस करेंगे जो भी प्रॉब्लम होंगी कंफ्यूजन होंगी और एंट्रीज का मामला निमट जाएगा
फिर इंशाल्लाह कल ही एक एक्स्ट्रा क्लास, कल या परसों एक्स्ट्रा क्लास होगी, कल तो फिर ताक रात होगी, तो परसों एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे संडे को, और जो है फिर इंशाल्लाह कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ताकि कमिंग वीक में जब वो हमारी शबे कदर की, जो वैसे तो ताक रातें चल रही है लेकिन शबे कदर 27वीं पे सब ज्यादा वो होता है, तो फिर उस दिन कुछ मुनासिब पढ़ लेंगे, ठीक है। छुट्टी उठी नहीं होगी, मैंने कह दिया ईद की 3 छुट्टियां, दिमाग रखिएगा, छुट्टी ना करें फजूल, बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है, और इबादत में ज्यादा से ज्यादा दिल लगाएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़। सर अल्लाह हाफिज़।